ब्लू है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर ब्लू है, ठीक है। और हमने क्या किया था, ये हमने इसमें से किया सर्कल बनाया। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और हमने अभी अभी जस्ट एक स्क्रीन बनाई, लास्ट वीडियो में देखा था, एक स्क्रीन बना के हमने उसको दिखाया, नॉर्मल स्क्रीन ब्लैक कलर की, ठीक है। अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ देखी थी जब हम उसे यू नो क्विट बटन पे, यानी कि जो ब्रेड क्रॉस मार्क आता है जैसे उसमें आता है, उस पर जब क्लिक कर रहे थे तो क्लोज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे और एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना के ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है इन अपनी स्क्रीन पे बना के देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लंबी हो सकता है आई थिंक। सबसे पहले हम चलाएंगे एक इन्फिनिट लूप। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इन्फिनिट लूप क्यों चलाएंगे। अक्सर आप देखते हो कि जैसे आपके सामने स्क्रीन है तो ये तब तक चलती रह जाती है, तब तक चलती रहती है जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करते या फोर्सफुली इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है, यानी कि ऑल्ट F4 प्रेस करके, ठीक है। सो ये स्क्रीन तब तक चलती रहती है। इसी तरह हमारा गेम तब तक चलता रहे जब तक एक सर्टेन कंडीशन मैच। ओके, अब क्या करेंगे, हम क्रैश का काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कुछ लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा, सेम आर्टिस्ट लिखेंगे, और इवेंट इन pygame.event.get, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो आपको इवेंट रिसीव करेगा, और हम जितने भी इवेंट हुए, हो सकता है माउस क्लिक हुआ हो, सकता है कीबोर्ड पर प्रेस हुआ हो, हो सकता है आपने कहीं पे कर्सर मूव किया हो, तो कोई भी इवेंट ये कैप्चर करता है, ये आपको इवेंट में, अगर आप इवेंट को पेश करोगे तो आपको मिलता रहेगा। तो अगर इस इवेंट में अगर कोई इवेंट है, इस इवेंट का टाइप जो है वो बाय चांस आपका pygame.quit है, यानी कि जो है उस रेड बटन पे क्लिक किया है, एंड देन इन दैट केस आपको सिर्फ क्या करना है, pygame.quit आपको सिंपली हम क्विट कर जाएंगे, ठीक है, पाई गेम क्विट कर देंगे और हम क्विट कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली आप एग्जिट भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको एग्जिट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, क्विट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अब एक तरह से इसको बना लिया। अच्छा, अब क्या ध्यान रखेंगे, अब हम नीचे आएंगे, हम ध्यान रखेंगे डिस्प्ले का कलर, ठीक है। सो अब हम पूरी स्क्रीन में डिस्प्ले का कलर फिल करेंगे, तो डिस्प्ले फिल अब हम यहाँ पे कलर का देते हैं, RGB के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, ठीक है, पाई गेम है, RGB के फॉर्म में लेंगे। तो हम सबकी वैल्यू अगर 0 0 0 रखेंगे तो मतलब ब्लैक है, 256 256 256 रखेंगे तो मतलब वाइट है, ठीक है। आई थिंक इसका RGB होता है बेसिकली, और ऐसे ही आप इसको दिखाओगे, ठीक है। तो हमने अभी तक हमने इसका कलर ब्लैक रखा, वाइट स्क्रीन चाहते हो तो 255 255 और 255 रख सकते हो, ठीक है। एज आई प्रोमिस हम बनाएंगे छोटा सा सर्कल, पाई गेम डॉट ड्रॉ करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम छोटी सी बॉल बनाएंगे अपने इसमें, ठीक है। कहाँ बनाएंगे उसको हम पास करेंगे, तो डिस्प्ले में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप किसी एक सर्टेन एरिया में बनाना चाहते हो तो अलग बात है। फिर आप इसका कलर डिसाइड करोगे, तो कलर सपोज दैट हम ले लेते हैं ब्लू, यानी कि ब्लू के लिए 255 255 लास्ट मिलेंगे, RGB की वैल्यू 0 255 की जो है, सॉरी R और D की वैल्यू 0 होगी, D की वैल्यू 255, क्योंकि हम D का कलर चाहते हैं ब्लू, ठीक, हम बॉल का कलर चाहते हैं ब्लू। अब हम पास करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट, X के कोऑर्डिनेट और Y के कोऑर्डिनेट। तो अगर हम 0 0 देंगे तो सेंटर में आएगा, तो अगर हमारी स्क्रीन 800x600 है तो हम इसको कर 400 X की वैल्यू और 300 यानी कि मिड में आप मान सकते हो, या फिर ऐसे पास कर सकते हैं विथ अपॉन 2 और हाइट अपॉन 2। अच्छा, हमने आपको, हो सकता है आपको क्वेश्चन अभी पे कि आपने डबल लगाया, हम इंटीजर वैल्यू भी पास करना चाहते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे साइज इसका दे दिया, यानी कि 10 क्या है हमारा, ये हमारा 10 क्या है, रेडियस है, जो जिस साइज मतलब जो बॉल होगी या हमारे जो सर्कल होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। अब इसके बाद दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट रखना है, ध्यान रखना है आपको, लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन को अपडेट करेंगे, जिससे हो सकता है आप एक्स वेथ और हाइट की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आपकी स्क्रीन जो है अपडेट होनी चाहिए। तो पाई डॉट डिस्प्ले और इसको आप क्या करोगे, सॉरी डिस्प्ले डॉट अपडेट, तो इसको आप अपडेट करना नहीं भूलोगे, तो इसको अपडेट करोगे और क्लॉक जरूर चलाएंगे, क्लॉक इज इम्पॉर्टेंट। तो सेल के लिखा था हमने, डॉट टिक किया, ठीक है, और टिक करके हमने अंदर भेजा 60, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगें, तो मैं किन फिर बता दूँ,
सेम चीज या हमने सिंपल ड्रॉ किया सर्कल, आप चाहो तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे पाई गेम डॉट सर्कल या पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल, तो वहां पे आपको बाकी सारी चीजें मिलेंगी जो बताएगा कि आपको कैसे पास करना है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भी फॉर लूप के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। एक्चुअली नहीं शायद फॉर लूप, हाँ ये सारी चीजें माई मिस्टेक फॉर लूप के बाहर रहेंगी, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जो भी इवेंट हो पहले अकर हो जाए उसके बाद सारी चीजें हों, तो आप जो है ये सारी चीजें फॉर लूप के बाहर रखेंगे। कैसे करेंगे, कंट्रोल और राइट प्रेस करेंगे तब आपका तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल और सॉरी राइट नहीं, यहाँ फॉर्मेट में आके यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। ये इंडेंट हटाने और बढ़ाने का तरीका है, ठीक है। सो हमने सिंपल कर लिया, ठीक है। ओके, इसको सेव करते हैं, रन मॉड्यूल करते हैं, सेव करके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट, ठीक है। सो अगेन मेरे पास स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है। ओके, हमारे पास कोई एरर आया है, देखें क्या एरर आया है। पाई गेम हैज नो क्विक, तो क्विक में आई थिंक सब मिस्टेक है। ओके, देखते हैं क्विक यानी कि जो हमने यहाँ पे यूज किया था इसमें मिस्टेक है, और आई थिंक क्यू स्मॉल होगा, नहीं एक्चुअली ओके यहाँ पे जो भी इवेंट टाइप लिखते हैं ध्यान रखेंगे वो पाई गेम डॉट हमेशा ही जो भी क्विक हो चाहे कीबोर्ड का हो चाहे माउस का हो, माउस क्लिक लिखेंगे तो भी हमारा सारे वर्ड कैपिटल होंगे, ठीक है। ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, इसको सेव करते हैं और वेट करते हैं क्या कोई और मिस्टेक आती है नहीं आती है, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर, और ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई है, तो आप सेंटर में देख सकते हो क्योंकि हमने सेंटर में किया था, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे हमने जो पास किया था एक्स और वाई की वैल्यू हमने सेंटर पास की थी, विड्थ हाफ की थी और हाइट हाफ की थी इन सेंटर। आप इनको चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी, ठीक है, आपकी बॉल चेंज होती रहेगी। इसके बाद आपने देखा ये 10 है, 10 क्या है, इसकी रेडियस है, इसका कलर क्या है, ब्लू है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर ब्लू है, ठीक है। और हमने क्या किया था, ये हमने इसमें से किया सर्कल बनाया, इसके बाद हमने क्या किया यानी कि हमने एक बॉल ड्रॉ की, और हमने क्या किया सिंपल क्विट का ऑप्शन दिया, क्विट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका क्विट हो जाना चाहिए, तो ये आपका तुरंत क्विट हो गया। ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है किल का, सो यू प्रोग्राम इज स्टिल इन, डू यू वांट टू किल इट, ओके प्रेस करते ये आपका एग्जिट कर जाएगा और आपका प्रोग्राम कम्प्लीटली हो गया, ठीक है। काफी बड़ा वीडियो हो गया, नहीं 10 मिनट का वीडियो हो गया कम्प्लीटली, 10 मिनट से झेले मुझे, ठीक है। लेकिन होपफुली आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा इस वीडियो में, आपने सीखा कि कैसे हम क्विक का इवेंट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। इवेंट हमने कैप्चर किए ये इस लूप के थ्रू, पर एक एक इवेंट को इट्रेट किया, हमने देखा कि अगर इवेंट कोई भी किसी हो सकता है जिस सेकंड में ये 60 बार ये लूप रन करेगा एक सेकंड के अंदर, क्योंकि क्लॉक का टिक 60 बार चलेगा, तो जैसे जैसे हमने इसको रन करने की कोशिश की तो आप देख रहे होगे कि उस एक मिनी सेकंड में हो सकता है आप कई सारे ऑप्शन परफॉर्म कर चुके हो, क्योंकि आप हो सकता है हम कर्सर मूव कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड का कोई बटन दबा रहे हैं, समथिंग कुछ और हो रहा है, तो ये सारे इवेंट जो है ये हैंडल करते हैं, इसमें आ जाएंगे आपके, इस एज अ एक एक करके सारे इवेंट को पिक करता रहेगा, चेक करेगा क्या उनमें से कोई इवेंट क्विक तो नहीं है, क्या उनमें से कोई इवेंट हम आगे और लिखेंगे कि बटन प्रेस किया गया है, माउस क्लिक किया गया, तो वो चेक करते रहेंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्विक पे क्लिक किया यानी कि आपने यहाँ पे रख जो स्क्रीन थी उस पर क्लिक किया था, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्विक हो गया और आपका एग्जिट हो गया, ठीक है। फिर हमने डिस्प्ले फिल किया 0-0, आप चाहो तो मत करो, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि अगर इसको हटाएंगे तो असर क्या होगा, ठीक है। फिर हमने एक ड्रॉ किया, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको मूव कैसे कराएंगे बॉल को थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे कि हम इस डिस्प्ले को हमने अपडेट किया और क्लॉक टिक जो है 60 रखा, देखो 60 ये चीज़ ये फ्रेम पर सेकंड है, अगर आप वीडियो के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत वीडियोस, तो वो 60 फ्रेम पर सेकंड चलते हैं, 30 फ्रेम पर सेकंड चलते हैं, कुछ 50 फ्रेम पर सेकंड चलते हैं, 60 ये आप मोस्टली चीज़ों में 60 जो है बेसिकली चलता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, और मैं यहीं तक रुकूंगा, इस वीडियो को खत्म करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।